कतई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और हम लोग तो बिहार के लोग हैं, उड़ती चिड़िया को भी हल्दी चूना लगाने से पीछे हम लोग नहीं हटते हैं। और अगर इस तरह का प्रोपगेंडा, इस तरह की मानसिकता, इस तरह का भ्रामक अगर बिहार सरकार को अस्थिर बनाने के लिए किया जा रहा है, तो उन लोग भी सचेत हो जाइए। हम लोग भी बिहारवासी हैं, 2024 के साथ साथ 2025 में भी पूरी तरीके से, पूरी तैयारी के साथ हम लोग मैंने जनता का आशीर्वाद हम लोग को मिलेगा, यह तय है साथी, यह हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। देखिए, हम लोग तो उम्मीद करते हैं, भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं माननीय, बिहार की धरती पर उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बिहार के विकास के लिए सकारात्मक दिशा उठाएंगे। और बिहार पे कई चीज़ें हैं जो काफ़ी लंबित हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार काफ़ी आगे काम किया है, लेकिन आगे भी सुचारू ढंग से काम चल सके, इसमें केंद्र सरकार की सहायता की आवश्यकता है। और हम लोग कई वर्षों से, बिहार पिछड़ा राज्य रहा है, बीमारू राज्य रहा है, उसको एक तरह से नीतीश कुमार जी ने आगे निकाला है और बढ़ाया है। हम लोगों ने, हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी ने, डॉक्टर संतोष मांझी जी ने, तेजस्वी यादव जी ने और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने का जो मांग है, कई जगहों पर कई तरीक़ों से उन्होंने उठाने का काम किया है। और उम्मीद करते हैं कि अमित शाह जी बिहार में आएंगे और कम से कम स्पेशल स्टेटस का जो हम लोग का डिमांड है वो फुलफिल करें, बिहार के विकास में उनका योगदान हो सके, ये हम लोग का उम्मीद है। लेकिन अगर वह 2024 को लेकर के बिहार में चुनावी माहौल में, आप देख रहे होंगे कि उनके आने से कुछ दिन पूर्व बिहार में किस तरह का तांडव किया गया धर्म के नाम पर, वो हम लोग बिहारवासी कतई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और हम लोग तो बिहार के लोग हैं, उड़ती चिड़िया को भी हल्दी चूना लगाने से पीछे हम लोग नहीं हटते हैं। और अगर इस तरह का प्रोपगेंडा, इस तरह की मानसिकता, इस तरह का भ्रामक अगर बिहार सरकार को अस्थिर बनाने के लिए किया जा रहा है, तो उन लोग भी सचेत हो जाइए। हम लोग भी बिहारवासी हैं, 2024 के साथ साथ 2025 में भी पूरी तरीके से, पूरी तैयारी के साथ हम लोग मैंने जनता का आशीर्वाद हम लोग को मिलेगा, यह तय है साथी, यह हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। और इस तरह का जो धार्मिक उन्माद बिहार के धरती पर जो फैलाने के काम किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा, कनफुकवा पार्टी के द्वारा, हम लोग तो चाहेंगे कि वो कम से कम सतर्क रहे, सजग रहे, अन्यथा बिहार सरकार और बिहार सरकार का पुलिस प्रशासन उनको खोज खोज कर निकालेगी और उचित जगह पर उनको पहुंचाने का काम करेगी। अपना परिचय देंगे सर। इंजीनियर नंदलाल मांझी,